अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के बहुत ही नज़दीक एक ऐसा मकान ढूंढ रहे जो कि हिमगिरी कॉलोनी में हो, 32 मीटर में हो, जिसकी रेंटल इनकम आती हो, जिसके सामने आपकी 17 से 18 फीट की रोड हो और जिसमें 5 कमरे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और आज जिस मकान का एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका जैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया मैंने, इसकी जो लोकेशन है आपका हिमगिरी कॉलोनी है और ये 32 मीटर में बना हुआ मकान है। चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हमारा जो मेन एंट्रेंस गेट है, आप देखेंगे ये मेन इस मकान का एंट्री डोर है, काफ़ी मजबूत है। और आप सामने देखेंगे आपको 17 से 18 फीट की रोड आपको सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपका आने जाने में कोई व्हीकल वगैरह आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये है इसका मेन लॉबी एरिया और पार्किंग एरिया भी है, चाहे तो आपका जो टू व्हीलर वगैरह आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं, अच्छा है तो आप इस एरिया में भी पार्क कर सकते हैं। इसके कनेक्टेड मैं आपको बता दूं, एक ये रूम है, इसके अंदर आपके मेन दो रूम है, ये आपका कनेक्टिंग मेन एंट्री है। इधर देखेंगे इंडियन स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम और ये आपका स्टेयरकेस, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को जा सकते हैं क्योंकि ये 2.5 मंजिला मकान बना हुआ है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और अब हम लॉबी एरिया से हम जा रहे हैं आपका मेन जो आपका अंदर के रूम का हम देखेंगे। इसके लिए एंट्री का हम देखेंगे डबल डोर है, मैच डोर भी यूज़ किया हुआ है और साथ में आपका वुडन डोर है। और ये है हमारा रूम नंबर 1, लॉबी एरिया से कनेक्टेड जो मेन है ये आपका रूम नंबर 1 है। इसकी जो चौड़ाई होने वाली है आपको 11.10 फिट की है, मतलब 11.10 फिट का ये इसकी चौड़ाई है। और देखेंगे आपका, क्योंकि ये छोटा घर है, 32 मीटर बना हुआ मकान है, उस हिसाब से इसको देखेंगे। यहाँ पे इसको एज ए आप किचन यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसको एज ए स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इधर भी हम चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो कैबिनेट्स इसको स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा वुडन वर्क होगा तो ये आपका स्टोरेज के लिए यूज़ हो जाएगा। अगर हम फ्लोर की बात करें तो देखेंगे आपका टाइल्स लगी हुई हैं, मकान बहुत अच्छा लग रहा है, पेंट नॉर्मल है और जो रूफ है नॉर्मल आपकी फॉल सीलिंग बिल्कुल सिंपल इसका प्लास्टर है। और रूम नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं रूम नंबर 2 में, जो कि इसका मेन रूम है। ये भी कलर इसका बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लोर देखेंगे, टाइल्स बिल्कुल अच्छी लग रही हैं, आपका फिनिश है। इसके अलावा सामने आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम देखेंगे आपका वार्डरोब दिया हुआ है, जिसमें आपके जो भी घर के जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो आप इसमें रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। उसके अलावा जो हमारा ये आपका आगे ऊपर भी स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप वुडन वर्क करा के जो भी आपके घर का एक्सेस सामान है वो आप ऊपर रख सकते हो। ग्राउंड फ्लोर के बाद जैसे कि मेरा 2.5 मंजिला मकान है तब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या रूम्स वगैरह हैं। और अब हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा आंगन का एरिया है, इसकी कनेक्टिविटी बताऊँ तो इधर आपको अंदर एक फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम मिलने वाला है और अगर हम पश्चिम दिशा में देखेंगे तो ये एक आपको किचन मिलने वाला है जो कि बिल्कुल रेडी है। और इसके अलावा ये एक आपको बाथरूम यहाँ पे मिलने वाला है। और ये हम खड़े हैं यहाँ के बालकनी एरिया में, आगे आप देखेंगे ये आयरन मेश लगा हुआ है जहाँ से आपको सामने दिखाई देगा जो सड़क है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो सड़क है यहाँ पे 17 से 18 फीट की सड़क है।
तो चलिए अब डिटेल में जाते हैं। लॉबी एरिया से कनेक्टेड में देखेंगे आप, ये हमारा मेन रूम है। एंट्रिंग में आपके डबल डोर यूज हुए हैं, मैश और वुडन, और उसके अलावा ये आपका मेन रूम है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें इस कमरे की, वह है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 11x9 है। और देखेंगे फ्लोर पे आपका नॉर्मल फर्श हो रखा है इसका, वॉल्स आपका पेंट है आपका अच्छी बढ़िया लुक आ रहा है, फॉल सीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और वेंटिलेशन के लिए देखेंगे हम, इधर आपका विंडो दिया हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर पर आंगन से कनेक्टेड हम देखेंगे ये किचन है। किचन के एंट्री में आपका मेज डोर लगा हुआ है, बहुत बड़ा किचन नहीं बोलूँगा इसको, एक नॉर्मल किचन है, एक छोटी फैमिली के लिए आइडियल है। देखेंगे आपका टाइल्स लगी हुई है इसमें, इसके अलावा स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स वगैरह इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं। यहाँ पे आपका जो भी किचन का आइटम है वो आप रख सकते हैं, कैबिनेट्स वगैरह स्टोरेज के लिए। नीचे भी देखेंगे तो आपकी कैबिनेट्स वगैरह लगी हुई हैं। और फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। और सेकंड फ्लोर पे हम पहुँच चुके हैं, तो इधर देखेंगे तो आपको एक रूम मिलने वाला है। इसके अलावा ये देखेंगे आपके लॉबी एरिया है, लॉबी एरिया के आगे देखेंगे हम, ये आपको एक हाफ पोर्शन आपका ओपन है, यहाँ पे आपको सनलाइट और हवा का मजा ले सकते हैं, सुबह शाम बैठ के चाय वाय का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे आपका एक इंडियन स्टाइल का आपका टॉयलेट दिया हुआ है। सेकंड फ्लोर पे हम देखेंगे तो एक रूम यहाँ पे भी दिया हुआ है, हालांकि इसको एज अभी स्टोर रूम यूज़ किया जा रहा है। और स्टोरेज के लिए देखेंगे आपका वार्डरोब दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो भी क्लोथ्स वगैरह है आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा विंडो की बात करेंगे तो इधर आपको वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए और अब हम पहुंच गए हैं इस मकान की छत पे। जैसे कि बताइए 2.5 मंजिला ये मकान है, और यहाँ पे हम आ गए छत पे। छत पे देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है इसकी, वह है 11.10। जैसे कि बताइए आपका 32 मीटर बना हुआ एक मकान है। अगर इसके डायरेक्शंस की बात करें तो अगर हम इसके पश्चिम दिशा में देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा हरतला रेलवे स्टेशन। अगर हम इसके नॉर्थ डायरेक्शन में देखी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कांट रोड है, मुश्किल से यहाँ से आपका 200 मीटर के डिस्टेंस में आपके मेन जो कांट हाईवे है वो मिल जाएगा आपको। अगर हम पूर्व डायरेक्शन की बात करें, ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखेंगे आप जो वाटर टैंक है हिमगिरी कॉलोनी का, वो मेन वाटर टैंक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और इसी के बैक साइड में देखेंगे तो आपकी जो नई तहसील बनी है, और तहसील से आगे जो आपका जो पुल निकल रहा है जो कि काशीराम में निकल रहा है। और अच्छी चीज़ यह है कि पिछले मैंने जितने काफ़ी वीडियो में बोला था कि वो पुल स्टार्ट होने वाला है, पुल स्टार्ट होने वाला है, और खुशी की बात यह है मुरादाबाद शहर के लोगों के लिए कि वो पुल अभी स्टार्ट हो गया है। और उसका बेनिफिट्स ये हो रहा है कि काफ़ी लोगों का टाइम काफ़ी बच जाता है, क्योंकि जो लोग पहले पीलीकोटी होते हुए दिल्ली रोड जा रहे थे, अभी वो कांट रोड से विद इन 3 to 5 मिनट्स में आपको काशीराम में पहुँच जाएंगे। और यही है बेनिफिट, ये हो रहा है कि वहाँ पर जो रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उनके रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जनरली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए,
और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकल जाए, तो उसके लिए आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप दबा देंगे। तो बेनिफिट्स ये होगा कि जैसे ही इधर हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मकान हो या वो ज़मीन हो जिसे आप सेल करना चाहते हैं, और अगर उसमें भी आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना यह है कि मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 9877628505, उस नंबर पर आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, शॉर्ट वीडियोस, डायमेंशन वगैरह आप हमको दे देंगे, तो मैं 2-4 दिन में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपकी प्रॉपर्टी को कवर करूँगा और बहुत जल्द उसको सेल होने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस मकान की पूरी समरी बता देता हूँ ताकि जब मैं उसके रेट बताऊँ तो वो इंटरलिंक हो सके और उसके आपको वैल्यू फॉर मनी पता चल जाए। तो जो इस मकान की जो लोकेशन है वो है हेमगिरी कॉलोनी, जो कि कांट रोड से मुश्किल से आपके 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसके एरिया की बात करें तो ये 32 मीटर में बना हुआ मकान है, ढाई मंजिला बना हुआ मकान है। ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट मिलने वाला है। फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 कमरे मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपका जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे 1 कमरा है, बाकी ओपन एरिया है। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 कमरे मिलने वाले हैं। समरी के बाद अगर कम से कम शब्दों में अगर इसकी USP मैंने जो नोट की वो 3 USP है इसकी। पहली चीज़, इसकी कनेक्टिविटी कांट रोड से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। सामने आपको 17 से 18 फीट की रोड मिल रही है, यहाँ से आपको 7 से 8 हज़ार की रेंटल इनकम हो सकती है। और अब हम बात करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी होती है, वो होती है किसी प्रॉपर्टी के रेट की। तो इसकी जो रेट है, जो इसकी कॉस्ट है, वो है 35 लाख, यानी कि इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ने वाली है 35 लाख रुपये इसकी कॉस्ट हमको कोट की गई है, और जो कि नेगोशिएबल है। इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, अगर आपको ये मकान जो मैंने शूट किया है आपको पसंद आता है और आपको समझ में आता है तो ऑन टेबल इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। तो इस मकान से जुड़ी हुई आपकी कोई क्वारी है या आपको विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। नंबर जो मेरा है 9877628505, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देख लेंगे, और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।